हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं पिक्सल ओएस के बारे में। तो यहाँ पर रेबी नोट 7 एस लेवेंडर के लिए पिक्सल ओएस का जो एंड्रॉयड 12 का एक नया बिल्ड अवेलेबल हुआ है, एंड इस वीडियो के दौरान पिक्सल ओएस का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो ये जो रहा दोस्तों, एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड्रॉयड 12 का जो स्टार्ट है यहाँ पर ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर 5 फरवरी 2022 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है देने को मिलेगा। एंड कर्नल की अगर बात करें 4.4 यहाँ पर पीडिएटर स्टोमेकर कर्नल को यूज किया गया है। तो ये जो बिल्ड है दोस्तों ऑफिशियल बिल्ड नहीं है रेबी नोट 7 के लिए, ये जो पिक्सल ओएस की तरफ से अनऑफिशियल बिल्ड है। तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पिक्सल ओएस को डाउनलोड करना है आपके रेबी नोट 7 डिवाइस के लिए, तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके रेबी नोट 7 डिवाइस पर फ्लैश कर सकते हो। तो सबसे पहले इस बिल्ड के ऊपर जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है आपको सबसे पहले इस बिल्ड के ऊपर जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है इस बिल्ड के ऊपर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। प्लस बैटरी बैकअप भी इस बिल्ड का काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो लेटेस्ट फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है यहाँ पर ऐड किया गया है। कुछ कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है इस बिल्ड के ऊपर, एंड जो जीकेएम जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। प्लस जो गूगल लेंस काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। कैमरा टेप की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर जीकेएम काम करेगा, जो गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्जन है जीकेएम 8.4 यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो है हमने जीकेएम गो को इंस्टॉल किया है, गूगल कैमरा गो यहाँ पर काम कर जाते, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, ये सभी ऑप्शन को एड किया गया है। तो यहाँ पर गूगल कैमरा 8.4 है जो लेटेस्ट वर्जन है जीकेएम का, वो भी काम कर जाएगा इस बिल्ड के ऊपर। आपको बाय डिफॉल्ट ये जो कैमरा एप्लीकेशन है देने को मिलेगा, काफी बेसिक सा कैमरा एप्लीकेशन को एड किया गया है। गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, जो सिपनेट है बाय डिफॉल्ट पास होता है। एंड यहाँ पर जो शामी पार्ट्स का ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर, जो शामी पार्ट्स का ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करेगा। जो है बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर सकते हो सर्च बार के ऊपर, एंड टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एडेप्टिव चार्जिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। 5 to 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आप कौन कौन सी एप्लीकेशन को यूज करते हो। नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन को ऐड नहीं किया गया है साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर। एंड यहाँ पर SIM 1 एंड SIM 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लाइव कैप्शन के ऊपर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के लिए रिंग वाइब्रेशन एंड नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है नाउ प्लेइंग का जो फीचर है अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर जो एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड MI का जो साउंड एनालाइजर है यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। जो स्क्रीनशॉट का साउंड है आप यहाँ से बंद कर सकते हो। यहाँ पर टच साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ, काफी बढ़िया बात है। ये सभी ऑप्शंस आपको देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले के ऊपर जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो डार्क मोड है ये भी काम करेगा, डार्क मोड के ऊपर जो है शेड्यूल करने का ऑप्शन है, काफी बढ़िया बात है। एंड नाइट लाइट फीचर जो है ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो है नाइट लाइट फीचर काम करता है, प्लस जो शेड्यूल करने का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो कलर कलिबेशन का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ऑटो रोटेशन के ऊपर फेस की यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर फोन के ऊपर डबल टैप करोगे ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ पिक्सल ओएस के ऊपर जो है मॉनिटर का जो ऑप्शन है, जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉलपेपर कलर बेसिक कलर का ऑप्शन है, प्लस जो थीम आइकॉन है इसे भी ऐड किया गया है। अपग्रेड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 का जो मॉनिटर का फीचर है इसे भी ऐड किया गया है पिक्सल ओएस के साथ, ये जो ऑप्शन से काम करेगा। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। साउंड एम्पलीफायर, साउंड नोटिफिकेशन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर साउंड एम्पलीफायर के ऊपर शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो, प्लस साउंड नोटिफिकेशन के ऊपर जो है शॉर्टकट को ऐड करने का ऑप्शन है। जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है इस बिल्ड के साथ। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी फास्ट है, देख ही पा रहे हो बहुत ही फास्ट हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो यहाँ पर काफी फास्ट आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलेगा। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। एंड यहाँ पर जो रैपिड एनिमेशन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइवेसी के बारे में। यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 के साथ जो है प्राइवेसी को
इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था, तो यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। जो लोकेशन है वो भी काम करेगा, लोकेशन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, इस रॉम के ऊपर जो है लोकेशन काम करता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर जो शाओमी पार्ट्स का ऑप्शन है और जो डिवाइस सेटिंग से यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर जो लाइव ट्रांसलेट का फीचर से इसे ऐड किया गया है, तो यहाँ पर रिमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो लाइव ट्रांसलेट का फीचर से काम करेगा, जो कि हमें यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो डिवाइस के साथ देने को मिलता है, तो यहाँ पर जो लाइव ट्रांसलेट का फीचर से ये भी काम करेगा। क्विक टैप का ऑप्शन है, तो सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, या पर जो है रिसेंट एप्लीकेशंस को ओपन कर पाओगे, नोटिफिकेशंस को ओपन कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। सिंपली फोन को ऑफ करने के बाद अगर आप यहाँ पर इस तरह से क्विक टैप करके ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन जो है काम करेगा, इसे भी ऐड किया गया है। रेडमी नोट 7 के ऊपर जो क्विक टैप का फीचर से काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, ये जो क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है काफी बढ़िया है। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर 2 बटन नेविगेशन 3 बटन नेविगेशन को ऐड किया गया है, प्लस जो गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है ये भी काम करेगा। एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ जो है वन हैंडेड मोड को ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो नेविगेशन बार है इसमें स्वाइप डाउन करके जो है वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हो, काफी बढ़िया है, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वन हैंडेड मोड के ऊपर जो है नोटिफिकेशन को भी आप चाहो तो यहाँ पर ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से स्वाइप डाउन करके जो है नोटिफिकेशन को आप चाहो तो यहाँ पर ओपन कर पाओगे। और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, सिंपली गेस्चर्स को यूज करके आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में डबल टैप करके ऑटोमेटिक आपका जो फोन है स्लिप मोड में चला जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन में टैप करके आप यहाँ पर जो है रीस्टार्ट में टैप करके रिकवरी बूट लोडर को ओवर बूट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो प्लेबैक कंट्रोल को इनेबल करने के बाद वॉल्यूम किस के साथ गाना को स्किप कर सकते हो, गाना को चेंज कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो है आपको यूजफुल मिनिमल कस्टमाइजेशन ऑप्शन देने को मिलेगा, काफी बढ़िया बात है। एंड ये सभी ऑप्शन से एंड एज रमेश तो काफी स्मूथ है, एंड रेडमी नोट 7 डिवाइस पर काफी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। नाउ दोस्तों बात कर लेते कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने 5 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट रन किया था, मैक्स गया है 148, एवरेज है 140, मिनिमम है 134 एंड 93% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिला है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। तो डेफिनेटली रेडमी नोट 7 डिवाइस पर नॉर्मली जो है मैक्स रहता है 140 के आसपास, तो यहाँ पर जो एवरेज है 140 है, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलेगा इस रॉम के साथ, काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस आपको देने को मिलता है इस रॉम के साथ। तो यहाँ पर गीकबेंच 5 के साथ सिंगल कोर के साथ 336, मल्टी कोर के साथ 1482 का स्कोर है, एंड गीकबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ पीडिएटेड स्टोन बेगर कर्नल के साथ काफी अच्छा स्कोर देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है सिंगल कोर का ज्यादा है, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं 3D मार्क के बारे में, तो यहाँ पर 491 का जो स्कोर देने को मिल गया है रेडमी नोट 7 के साथ 3D मार्क के वाइल्ड लाइफ टेस्ट के ऊपर, काफी बढ़िया बात है, काफी अच्छा स्कोर हमें देने को मिलता है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट रूट विदाउट मैजिक जो है यहाँ पर सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, तो यहाँ पर जो है सेपरेट जो है बाय डिफॉल्ट काम करते हैं इस रॉम के साथ। यहाँ पर जो है इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर देने को मिल जाएगा, आपको अलग से जो है जी एप्स को फ्लश नहीं करना होगा इस रॉम के साथ। ये जो रॉम है तो काफी स्मूथ है, काफी स्टेबल है, 5 to 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा, वाईफाई काम करेगा, हॉटस्पॉट काम करता है, कैमरा टू एपीआई भी अनेबल है, जीकैम यहाँ पर काम कर चुका है, गूगल कैमरा 8.4 यहाँ पर काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। प्ले स्टोर आपको बाय डिफॉल्ट देने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करता है, वॉल्टी वो वाईफाई स्क्रीन कास्ट भी काम करते हैं, प्लस जो है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर जो वॉइस कॉल है वीडियो कॉल है वो भी काम करेगा, माइक भी काम करते काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, नाइट लाइट फीचर काम करेगा, हॉटस्पॉट भी काम करेगा, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करना होगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि यहाँ पर इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान जो इंटरनल स्टोरेज है डिलीट हो सकता है, इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके फोन के ऊपर उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो सिंपली जो है बैकअप क्रिएट करो, एंड आपके पास जो रेडमी नोट 7 डिवाइस होगा उसके ऊपर जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, रूट इंस्टॉल होना चाहिए, प्लस जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते किस तरह से जो है बूट लोडर को अनलॉक करते
किस तरह से कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो किया है। रेबोनॉट 7 का जो प्लेलिस्ट है वो आप अच्छा के चेकआउट करके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट जो कस्टम रिकवरी है उसमें बूट करना होगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट TWR रिकवरी है और जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर TWR रिकवरी के ऊपर और जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर आप चाहो तो इस टॉम को फ्लैश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो है पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने के बाद आपका जो फोन है दोस्तों कस्टम रिकवरी के अंदर बूट होगा। कस्टम रिकवरी के अंदर बूट होने के बाद सबसे पहले जो आपको यहाँ पर वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेलविक सिस्टम कैसे वेंडर ये सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली वाइप कर दीजिएगा एंड वाइप होने के बाद सिंपली इंस्टॉल में जाना होगा। जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने जो है इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके इस रॉम को सिलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। फ्लैश होने के बाद सिंपली रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है उसमें टैप करने के बाद आपके फोन के ऊपर जो है पिक्सेल वाइज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। एंड ये बार ये जो रॉम है उसको काफी स्मूथ है, लगभग 5 मिनट के आसपास फास्ट बूट में टाइम लगेगा। एंड यहाँ पर रॉम बूट होने के बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर सेटअप करना होगा, काफी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखिएगा आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड करके चेकआउट करके देखो। एंड यहाँ पर जो पिक्सल ओएस के साथ आपको जो है जो पिक्सल रॉम का जो एक्सपीरियंस आपको देने को मिलेगा, जो पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम है एंड उसके साथ साथ जो पिक्सल फोन है उसके जैसे आपको जो यहाँ पर एक्सपीरियंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, ज्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पिक्सल फोन के ऊपर जो एक्सपीरियंस है सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देने को मिलेगा इस पिक्सल ओएस के साथ। एंड आपको बाय डिफॉल्ट जो डार्क थीम है देने को मिलता है यहाँ पर टॉगल के ऊपर एंड यहाँ पर गेस्टेस के ऊपर ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। ये जो बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। इस रॉम का जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी बढ़िया है, 5-6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो लेटेस्ट फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है देने को मिल जाएगा, प्लस जो है कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। यहाँ पर जो जीकैम है वो भी काम करेगा, गूगल कैमरा 8.4 यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है, डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो प्ले स्टोर है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काम करता है। जो फेस अनलॉक का ऑप्शन है अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है ऐड नहीं किया गया है। प्लस जो ऐप लॉकर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, शायद नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर ऐड हो जाए, बट अभी इस बिल्ड के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है बट यहाँ पर फेस अनलॉक जो ऐप लॉकर का फीचर है अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉइड 12 के साथ जो है मोनेंड भी काम करेगा। जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का सपोर्ट है इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन से डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर है इसे भी ऐड किया गया है। ढेर सारी गेस्टर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है इस पिक्सल ओएस के अनऑफिशियल बिल्ड के साथ। तो अगर आपको काफी अच्छे स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए एंड्रॉइड 12 के साथ, ज्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो पिक्सल ओएस का बिल्ड है ट्राई करके देखिएगा आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ये जो पिक्सल ओएस का एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है इसका जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वापस चेक इस रॉम को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर फ्लैश कर सकते हो। काफी बढ़िया रॉम है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। परफॉर्मेंस भी इस रॉम का काफी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी इस रॉम का काफी बढ़िया है। कस्टम रॉम का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वापस जाके और कोई दूसरा कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे चेकआउट करके देख सकते हो। एंड इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।